हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, चिट चैट विद रुचि एंड स्मृति। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही आसान ट्रिक, जिसमें कि हम आपको बताएंगे मलाई से घी निकालने की बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी। जनरली हम लोग को मलाई से घी निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, और लेकिन हमारी जो ये ट्रिक है, इसमें आप आराम से बहुत जल्दी कुछ तरीके से मलाई से घी निकाल सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जब मक्खन निकल जाता है तो उसके बाद जो दूध बचता है, तो उससे हम आपको पनीर बनाना भी बताएंगे, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मक्खन निकालने के लिए जो मैंने यहाँ पे मलाई ली है, तो ये यहाँ पे डेढ़ बड़े बोल जो है वो मैंने यहाँ पे मलाई ली है, और इसको मैं यहाँ पे दूध का जो हमारा पतीला होता है उसी में निकाल रही हूँ। हम मिक्सी में नहीं निकालेंगे, क्योंकि मिक्सी में निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और इसमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मक्खन निकल आता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। और एक ट्रिक ये भी है कि जब भी आप मक्खन निकालें तो मलाई आपकी बहुत ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, एक मतलब रूम टेम्परेचर से तो थोड़ा ज़्यादा ठंडी ही रखें उसको, तो इस तरह से जल्दी से निकल आता है। ये देखिए, मैंने यहाँ मलाई का मक्खन निकालने के लिए हैंड बीटर लिया है, और इसमें मैं ये वाला अटैचमेंट फिक्स करूँगी, और आप देखेंगे कि मुश्किल से 5 मिनट्स में हमारा मक्खन निकल आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जब भी मक्खन निकालने के लिए मलाई निकालें तो उसको एकदम चिल्ड भी यूज़ ना करें, तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है मक्खन निकलने में। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको हमें, जो मैं इस बीटर को यहाँ पे चला रही हूँ, तो ये इसकी जो स्पीड है ये मैंने सेकेंड लेवल पे रखी हुई है, तो इस पे अगर आप कंटिन्यूसली चलाते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट्स में ये हमारा मक्खन निकल आएगा। देखिए यहाँ पर अब ये सेपरेट होने लग गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, जब हम मिक्सी में निकालते हैं तो हमको बार बार उसको खोलकर उसमें हमें चम्मच से उसे चलाना पड़ता है, और इस तरह से आपका दूध का पतीला आपको खाली तो करना ही है, तो उसी में आपने मलाई इकट्ठी की और आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही एक कम्फर्ट होता है हमको मक्खन निकालने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए बिल्कुल मक्खन के दाने दाने बनने लग गए हैं, और इसमें से अब आप देखिए जो मिल्क है इसका, वो सेपरेट होने लग गया है। देखिए इकट्ठा होने लग गया है मक्खन हमारा, आप देख सकते हैं इसके ब्लेड के ऊपर। अब इसको हम 2 मिनट और चला लेंगे, और यहाँ हार्डली फ्रेंड्स मुझे केवल 3 मिनट ही हुए होंगे इसको चलाते हुए, और कितना क्विकली आप देख रहे हैं कि मक्खन इसमें से सेपरेट हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से हमारा मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और अच्छे से इसने अलग से मिल्क यहाँ पे छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से एक तरफ इकट्ठा करके भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल, देखिए इसका जो मिल्क है वो अलग से सेपरेट है, मक्खन हमारा अलग निकल चुका है, और 5 मिनट से हमारा मक्खन निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसको एक कढ़ाई ले लेंगे, और उसमें हम इसको अपने मक्खन को इसमें हम निकाल लेंगे। ये मैं ब्लेड पे से भी निकाल लूँगी, और इसको जब मक्खन को हम निकालेंगे, क्योंकि ये ठंडा ही है तो मैंने यहाँ पे कोई भी इसके लिए ठंडा पानी इसमें और ऐड नहीं करा है, तो इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसका, जिससे कि मिल्क सेपरेट हो जाए, और फिर हम इसको सारा जो हमारा मक्खन निकला है उसको हम कढ़ाई में यहाँ पर निकाल लेंगे। इसमें जो दूध के पतीला है इसमें निकालना बहुत ही कन्वीनियंट होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो हमने यहाँ पे जो डेढ़ बड़े बोल हमने जो मलाई की क्वांटिटी ली थी उसमें हमारा इतना मक्खन निकल के तैयार है। देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है, और ये अब हमारा जो मिल्क बच गया है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पनीर भी कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैंने गैस पे रख दिया है, और ये जब गर्म होने लग जाता है तब हम इसमें यहाँ पे विनेगर ऐड करेंगे। तो बस 1 चम्मच आपको यहाँ पे विनेगर ऐड करना है इस तरह से, और जब आप ऐड करें तो इसको थोड़ा सा मिक्स करते चले जाएं। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो इसमें से हमारा पनीर निकल आएगा। देखिए अभी मैं आपको, और अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मैं आपको ये क्लोजली भी यहाँ दिखा देती हूँ, और अब हम यहाँ पर इसको स्ट्रेनर से
छान लेंगे। देखिए हमारा पनीर भी इस पनीर को हम पानी से भी थोड़ा वॉश कर लेंगे जिससे विनेगर का असर निकल जाएगा। अगर आपकी फ्रेश 5 दिन की भी मलाई है आपने इकट्ठी की हुई है तो उसमें काफ़ी अच्छा पनीर निकल आता है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, बिल्कुल आप फ्रेश ही होता है। आप इसको बनाकर देखिएगा तो आप इसकी पनीर की भुर्जी बनाइए, पनीर के पराठे बनाइए, जो भी आप इसकी सब्ज़ी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिए और इससे जो पानी निकला है उससे आप अपना जो हमारा आटा है रोटी का उसको भी गूंद सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। तो इसको मैं 5 मिनट मैंने यहाँ रख दिया था और अब मैं इसको जब इसका पूरा पानी स्ट्रेन हो गया है तो मैं इसको एक बोल में यहाँ पे निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए इसको एक बार और टैप कर लेते हैं। देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा निकल आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए एकदम सॉफ्ट है। अब इसको हम थोड़ा फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगा। और अब ये जो मक्खन है वो मैंने दूसरी तरफ गैस पे रख दिया था तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा फ्लेम हाई रख सकते हैं और जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम सिम पे ही रखना है और इसको रेगुलर इंटरवल पे आप इसको चलाते रहिए जिससे कि आपका जो मक्खन है वो नीचे नहीं लगेगा और जो इसका मावा भी निकल के आएगा वो अच्छा निकल कर आएगा। देखिए तो ये घी भी हमारा यहाँ पे सेपरेट होने लग गया है और इस तरह से जब हम घी निकालते हैं तो फ्रेंड्स मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आराम से सिम पे जो हमारी फ्लेम है आराम से जो हमारा घी है वो सेपरेट हो जाता है। देखिए ये अभी हमारा यहाँ तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो देख रहे हैं आपका इसका जो ये खोआ निकल रहा है वो एकदम वाइट है तो आप इसको अगर आपको किसी वेजिटेबल में डालना है तो यूज़ कर सकते हैं, आटा मारना है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ ब्राउन इसलिए रखा है क्योंकि मैं फिर इसमें शुगर और इलायची पाउडर मिला के थोड़ा बर्फ़ी जैसा जमा लेती हूँ। देखिए तो अब हम इसको यहाँ पे छान ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे घी बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये मलाई से घी और पनीर निकालने की ट्रिक जरूर पसंद आई होगी, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।